तो टीपू सुल्तान की बात कहाँ से पता है, क्योंकि वो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, लेकिन वो पन्ना पलटते पलटते भूल जाते हैं कि वही टीपू सुल्तान है जिसके तलवार के एक एक वार से 10-10 अंग्रेजों के सर गिर जाया करते थे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। वो पार्टी है जो टीपू सुल्तान के नाम को तो याद रखती है, लेकिन 1933 में इसी भारत में जन्मे अब्दुल हमीद को भूल जाती है, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे 1965 में, और जिन्होंने पाकिस्तान के 8 से 10 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। मैं उस अब्दुल हमीद की बात इनको याद दिलाना चाहूँगा, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उसी एक मुसलमान माइके लाल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, देश को एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको देश में न्यूक्लियर वेपन दिया था। आपको उसी देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने नारा दिया था शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए, भारत के युवाओं को, भारत के कुंठित महिलाओं को, भारत के बुजुर्गों को, कलम पकड़वाने का इतिहास में उनका नाम दर्ज है, वो भी एक मुसलमान थे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि धरती को जिताने के लिए न जाने कितने लाख मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी हो। अब्दुल हमीद जैसे वीर जन्मे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पागल थे, वो इतने महान सेना योद्धा, इतने बड़े फौज को तैयार करने वाले, देश को लड़ने के ताकत देने वाले ऐसे महान नेता, उनके भी सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे वो एक मुसलमान थे, जो उनका चौपर चलाते थे हेलीकॉप्टर वो मुसलमान थे। तो देश में ऐसी बहुत सारी सिस्टम में उनके नाम है जो मुसलमान थे। भारत माँ की जय, मैं कह रहा हूँ, कोई कॉपीराइट है बीजेपी की, मैं जय श्री राम कहूँगा कॉपीराइट है बीजेपी की, लेकिन जय श्री राम उग्र नारा इन लोगों ने तैयार कर दिया। जय सिया राम, जय राम जी की, हमारे पूर्वजों का उपज है ये। उन लोगों ने भावनात्मक तरीके से, रास्ते मुसलमान भाई भी मिलते हैं तो हम लोग नमन करके कहते थे जय राम जी, राम राम भैया। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है और हिंदू मुसलमान भी जमकर शुरू हो चुका है। कर्नाटका का चुनाव कुछ ही महीने में है और वहां से फिर से टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की जो है कंपैरिजन शुरू हो गए, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों के बयान जो है अब बदलने शुरू हो गए। विजयपुरा में जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो है लीडर है जिनका नाम है वसन गोड़ा पाटिल, वो जो है मुसलमानों को जो है टीपू सुल्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जीतेंगे और टीपू सुल्तान के फॉलोवर या मुसलमान लीडरों को वोट नहीं दिया जाना चाहिए। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दूसरी तरफ जो है हिंदू मुसलमान एकता की बात चलती है, मगर फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर आकर इस तरह के बयान देता है और उसके बाद तमाम तरह के सियासी बवाल शुरू होते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि देश सबका है, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है फाइनेंशियल ईयर्स में जो है Q3 में जो GDP है हिंदुस्तान का, वो 6.5% से गिरकर 4.5% पर आ गया, और शायद इस पर जो है अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री निर्मला सीतारमण किसी का भी कोई टिप्पणी नहीं आया। और जो हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट है वो जुलाई और सितंबर के महीने से, अभी जो जिस तरह से फरवरी और जनवरी का क्वार्टर आया उसमें तकरीबन 6.5% से गिरकर 4.5% पर आया। तो कुछ ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दे और इन पर बात होना भी बहुत जरूरी है। संदीप जी है कांग्रेस से जुड़े हुए, तो उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। संदीप जी, सबसे पहला सवाल ये कि पूरे देश भर में अभी जिस तरह से एक हिंदू मुसलमान की विचारधारा को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जुनैद नासिर के मामला शुरू हो गए, उससे पहले कन्हैया लाल के शुरू हुए, दोनों गलत है, मगर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बयान इस तरह से क्यों आते हैं कि मुसलमानों को ये बताया जाता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो इस तरह के बयानों को किस तरह से देखते? देखिए, भाजपा जो पार्टी है ना, आज़ादी के पहले थी नहीं और आज़ादी के बहुत बाद में तैयार हुई। जनसंघ वगैरह ये जो जितने पहले के संस्थाएं थी, जो पार्टियां थी, जो अपने आप में एक सिस्टम चला रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने हिंदुत्व राजनीति को डोमिनेट करने के लिए भाजपा का गठन किया, तब जाके भाजपा तैयार हुई। तो इनको तो टीपू सुल्तान की बात कहाँ से पता है, क्योंकि वो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं, लेकिन वो पन्ना पलटते पलटते भूल जाते हैं कि वही टीपू सुल्तान है जिसके तलवार के एक एक वार से 10-10 अंग्रेजों के सर गिर जाया करते थे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, जिसका जिक्र परसों राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये वही बीजेपी की उपज है, जो RSS की उपज है, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज मजबूत थे तो उनके सामने घुटने टेक देते थे, और ये वही बीजेपी है जो चाइना को मजबूत बताते हुए घुटने टेकने की बात करती है। तो हम लोग ऐसे पार्टी के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी के सिस्टम में अगर बात की जाए तो ये वो पार्टी है जो टीपू सुल्तान के नाम को तो याद रखती है, लेकिन 1933 में इसी भारत में जन्मे अब्दुल हमीद को भूल जाती है, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे 1965 में,
और जिन्होंने पाकिस्तान के 8 से 10 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था, मैं उस अब्दुल हमीद की बात इनको याद दिलाना चाहूँगा। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उसी एक मुसलमान माइके लाल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, देश को APJ अब्दुल कलाम ने आपको देश में न्यूक्लियर वेपन दिया था। आपको उसी देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने नारा दिया था शिक्षा की तरफ बढ़ने के लिए, भारत के युवाओं को, भारत के कुंठित महिलाओं को, भारत के बुजुर्गों को कलम पकड़वाने का इतिहास में उनका नाम दर्ज है। वो भी एक मुसलमान थे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि धरती को जिताने के लिए न जाने कितने लाख मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी होगी। आप कहीं से भी उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि भारत, ठीक है आप कहते हैं भारत माँ जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, ठीक है ये आपकी भावना है। तो आप कांग्रेस भी तो जिंदाबाद के नारे नहीं, नहीं मैं बिल्कुल भारत माँ की जय, मैं कह रहा हूँ कोई कॉपीराइट है बीजेपी की, मैं जय श्री राम कहूँगा कॉपीराइट है बीजेपी की, लेकिन जय श्री राम उग्र नारा इन लोगों ने तैयार कर दिया। जय सिया राम, जय राम जी की, हमारे पूर्वजों का उपज है ये। उन लोगों ने भावनात्मक तरीके से, रास्ते में मुसलमान भाई भी मिलते हैं तो हम लोग नमन करके कहते थे जय राम जी, राम राम भैया, जय राम जी की, उनसे ये अभिवादन रिटर्न मिलता था। तो ये वो देश है जहाँ पे अब्दुल हमीद जैसे वीर जन्मे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पागल थे? वो इतने महान सेना योद्धा, इतने बड़े फौज की तैयार करने वाले, देश को लड़ने की ताकत देने वाले ऐसे महान नेता, उनके भी सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे वो एक मुसलमान थे, जो उनका चौपर चलाते थे हेलीकॉप्टर वो मुसलमान थे। तो देश में ऐसी बहुत सारी सिस्टम में उनके नाम है जो मुसलमान थे, इनको आप कहाँ से अलग करोगे। बार बार हिस्ट्री की किताब उठाते हैं, कर्नाटका में हमारे देश के डिफेंस मंत्री जी गए, अमित शाह जी गए, उनको वहाँ पे क्या बात करना था, उनको वहाँ पे बात करनी थी देश के कठिन मुद्दों पर, कि अडानी ने कैसे देश को धोखे में रखते हुए उनका साथ पाकर देश को गुमराह किया और बड़े पैसे का गमन कर रहे हैं। देश की जीडीपी 4.4 तक पहुँच गई है तिमाही हिस्से में, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे। क्यों? ये वही बात हो गई, अक्षय कुमार जी ने पूछा था मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के, उनकी पिक्चर हिट नहीं होती है, लेकिन ये आरएसएस के कुछ लड़कों ने हिंदुस्तान में एक अलग तरह का माहौल तैयार कर दिया। शाहरुख खान देशद्रोही है, लेकिन मजे की बात है ये ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला उस बंदे को, 650 करोड़ से ज्यादा कमा के बैठा है। तो ये मैं अजीब विडंबना है देश की, आप उसको काउंटर कर रहे थे और जिसको आप काउंटर कर रहे थे, आप ही की नेत्री एक समय देश की शिक्षा मंत्री रही श्रीमती स्मृति ईरानी के बेटी की शादी में, उसी शाहरुख खान को इन्विटेशन मिलता है, उनके साथ कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाया जाता है। तो ये भाजपा के जो कुछ लफंगे लोग हैं, मैं सभी भाजपा को बुरा नहीं कहूँगा, हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन इनके पास जो ज़्यादातर मेजोरिटी हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, जिनको ये सब हिंदू मुसलमान करना ही है, स्ट्रेटेजिकल टॉक नहीं करेंगे, देश में उन्नति कैसे करना नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देना नहीं बोलेंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देना नहीं बोलेंगे, ये मोदी जी का स्टाइल है। कहते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से कई बार मिलकर आए, उसके बाद अभी रायपुर का अधिवेशन आप पूरा करके आ रहे हैं, तो राहुल गांधी तो ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, मगर क्या 2024 में जनता उस मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी को लेकर पॉजिटिव सोच रही है? देखिए जनता का तो मैं ठीक से नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता जनार्दन है और मैं हमेशा उनके सामने नतमस्तक हूँ और हमारी पार्टी भी नतमस्तक है, वो जो फैसला करेगी हम मानेंगे। लेकिन भाजपा डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के एक एक ट्वीट पर पूरा सिस्टम इनका, पूरा मंत्रालय टूट पड़ता है, राहुल गांधी के एक एक प्रश्न पर इनके पूरे मंत्रालय टूट पड़ते हैं। ये पूछ रहे कि अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, आप ये बता दीजिए। तो भाजपा क्या कहती है, आह ये देशद्रोही है। तो ठीक है, अगर अडानी जी देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, तो वो सामने आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद क्यों नहीं चले जाते कि भाई मेरा इंक्वायरी करा लो और दूध का दूध पानी का पानी करवा दो। और भाजपा के नेता, भाजपा के हमारे भारत देश के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो अडानी जी के एरोप्लेन में, मैंने राहुल जी के स्टाइल में कहूँगा, एकदम बकायदा यूँ सोए हुए पाए गए थे। वो तस्वीर, बड़ी सी तस्वीर दिखाई गई थी लोकसभा के अंदर में। तो मोदी जी उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? एक व्यावसायिक आदमी से हम लोग कह रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हैं, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिजनेसमैन की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्रेडेंशियल है, उसके मुताबिक उनको काम मिलना चाहिए। पहले अनिल अंबानी को उन्होंने रफाइल बनाने का काम दे दिया, भाई क्यों? घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप रफाइल बनाना दे रहे हो, तो ये तो मतलब देश के साथ मजाक कर रहे हैं ना। तो ये मोदी जी अपने सवालों से भटकाने के लिए, देश के मेन जो मुद्दा है,
भुखमरी है, बेरोजगारी है, दुनिया भर में हमारी फैयत हो रही है। और आपको एक जानकारी आपके मीडिया के तरफ से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश की जनता को देना चाहूँगा, विश्व के 5 कंट्रीज में भारत के बनाए हुए सामान मटेरियल्स दुकानों से निकाले जा रहे हैं अभी। यस, अभी रिसेंट की बात है। हाँ। ये आप इस पर सर्वे करा लीजिए, जरूरत पड़े तो बीजेपी के कोई बड़े नेता से पूछ लीजिए, या फिर सिस्टम में कोई अगर जानकारी में है, देश के सुरक्षा सलाहकारों से पूछिए। देश का, हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट जो दुनिया के 5 देशों में कहीं कहीं है, वहाँ से उनको दुकानों से निकाला जा रहा है। क्यों? भारत में उनको अब दिखाई दे रहा है कि इनका जो वार्तालाप करने का तरीका, बात व्यवहार है हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनके वर्करों तक का, वो बहुत गलत तरीके में चला गया है। तो जिस देश में अगर जाति धर्म वर्ग पर लड़ाई होगा तो वो देश फिनेंशियली कभी डेवलप नहीं कर सकता है, इकोनॉमिकली कभी दुनिया के पटल पर अपने ताकत को नहीं साबित कर सकता है। कुछ दिन पहले तक मोदी जी कह रहे थे 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का सपना देख रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी दोबारा टीवी पे आके इंटरव्यू दे दें कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर का सपना दोबारा पूरा किया जाएगा, और हमारे देश के मिनिस्टर अमित शाह जी वो बीच में कह रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, उनको पता भी नहीं कितना जीरो लगता है। तो अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन जब किसी और से फंबल होगा बात करते करते, मैं इंसान हूँ, 100 बातें आपसे कर रहा हूँ, मुझसे फंबल हो सकता है बात करते करते, लेकिन मुझे टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से उठकर समझ के वो आ रहे हैं। हमें धोखे में रखकर किसी समाज के वर्ग को नहीं चलाना है, हम देश की उन्नति चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने जो सपना देखा है उनके बात के मुताबिक आप देख लीजिए, पहली बार देश को ये क्लियरली उन्होंने कहा है कि मेरे पास 52 साल हो गए, मेरे पास अपना घर नहीं है। कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिला देंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घर दिला देंगे वो इंदिरा गांधी आवास योजना था। हाँ। ये नाम बदलकर, जैसे ये लोग सैफई का नाम बदलकर, इलाहाबाद का नाम बदलकर, मुगल सराय का नाम बदलकर देश को एक नया ढकोचला परोस रहे हैं, वैसे ही इंदिरा गांधी आवास योजना को बदलकर ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं। ये वही आवास योजना है जो प्रधानमंत्री का जो प्राइवेट फंड है, प्रधानमंत्री फंड, क्यों उसमें प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल होगा उस प्राइवेट फंड में? क्यों देश के संविधानिक लोगों का उसमें इस्तेमाल होगा? आपको मैं बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है भाजपा सरकार का। इसके ऊपर इंक्वायरी तब तक नहीं हो रही है जब तक ये अपने गद्दी पर अमादा बैठे हैं, लेकिन जिस दिन इनके ऊपर ये गद्दी का नशा उतरेगा, इनके ऊपर भी सुप्रीम इंक्वायरी बैठेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति में, उनके नज़र निगरानी में इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। ये आज से आप जान के रखिए, ये समय आएगा, क्योंकि देश द इंडियन खबर, सच आपके सामने।